Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. In the last video we learned how to make ABCD and today we will learn E, F, G and H. Now let's start making E. E बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे lower line से और upper line से touch करता हुआ standing line, one standing line, then upper line को touch करती हुई sleeping line, सेंटर से एक और स्लीपिंग लाइन और एक लोअर लाइन को टच करते हुए स्लीपिंग लाइन, तो ये बन जाएगा ई. एक बार फिर से देखते हैं हम. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अपर लाइन को टच करके, फिर सेंटर से स्लीपिंग लाइन और एक लोअर लाइन को टच करके स्लीपिंग लाइन. इट्स वेरी इजी. सी वन टाइम मोर. स्टैंडिंग लाइन, अपर लाइन को टच करते हुए स्लीपिंग लाइन, सेंटर स्लीपिंग लाइन, लोअर स्लीपिंग लाइन और दिस बिकम्स ई. ई फॉर एलिफेंट. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक एफ. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू ई. इसमें भी अपर लाइन से लोअर लाइन की तरफ आते हुए एक स्टैंडिंग लाइन, अपर लाइन को टच करते हुए छोटी सी स्लीपिंग लाइन, एक सेंटर से स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज एफ. वंस अगेन स्टैंडिंग लाइन, अपर लाइन को टच करते हुए स्लीपिंग लाइन, सेंटर स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज एफ. वन स्टैंडिंग लाइन, अपर लाइन से टच करते हुए स्लीपिंग लाइन, सेंटर स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज एफ. नाउ वी विल लर्न टू मेक जी. जी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सी बनाएंगे, कैपिटल सी. इसको हम सिक्स की शेप देते हुए हाफ तक ऊपर जाएंगे और हम सिक्स मिलाएंगे नहीं, हम एक स्लीपिंग लाइन बनाते हुए आउट हो जाएंगे और फिर नीचे टच करेंगे स्टैंडिंग लाइन के साथ. सो दिस इज जी. दिस इज वेरी इजी. पहले आप सी बनाएं, उसको सिक्स की शेप देते हुए बीच में ही हम छोड़ देंगे, पूरा टच नहीं करेंगे, फिर हम स्लीपिंग लाइन में जाएंगे एंड देन नीचे स्टैंडिंग लाइन. दिस इज जी. मेक अ सी, गो अप हाफ तक अप जाएं, फिर स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन. दिस इज जी. नेक्स्ट एच. एच तो सबसे सिंपल लेटर है अल्फाबेट्स में. इसमें दो स्टैंडिंग लाइन आएंगी, अपर लाइन से लोअर लाइन की तरफ दो स्टैंडिंग लाइन और उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज एच. वंस अगेन स्टैंडिंग लाइन, वन मोर स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज योर एच. One standing line, another standing line and in the center one sleeping line and it becomes H. तो आज हमने स्टूडेंट सीखा है E, F, G and H. So see you tomorrow. Have a good day.